स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व की 75वीं वर्षगांठ पर देश भर में अमृत महोत्सव मनाया गया। इसी कड़ी में दिल्ली के मंगोलपुरी में सुदर्शन राष्ट्र निर्माण एवं जय संतोषी माता मंदिर समिति के तत्वाधान में आज़ादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भी शानदार प्रस्तुति पेश की गई। इस अवसर पर सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के दिल्ली NCR अध्यक्ष दिनेश अग्रवाल, सुदर्शन राष्ट्र निर्माण के केंद्रीय प्रभारी विवेकानंद दीक्षित और उनके साथ आई मातृशक्ति की उपस्थिति गरिमामय पूर्ण रही। इसके साथ ही जय संतोषी माता मंदिर के पंडित राम कुमार भगत आशीर्वाद समर्थ क्षेत्रवासियों को मिला। बच्चों द्वारा की गई शानदार प्रस्तुति के लिए उन्हें मेडल और सर्टिफिकेट देकर कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि दिनेश अग्रवाल, विवेकानंद दीक्षित एवं मातृशक्ति ने बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए मंच पर सम्मान किया। जय संतोषी माता मंदिर के संस्थापक पंडित राम कुमार भगत ने के ज्येष्ठ पुत्र जसवंत सिंह ने कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि का सम्मान किया। कार्यक्रम की शुरुआत वीर शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर ध्वजारोहण करने के बाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसके बाद देशभक्ति से जुड़े गानों पर बच्चों ने शानदार प्रस्तुति का नज़ारा पेश किया। सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की जो हमारी NCR की टीम है, उसने इस अमृत महोत्सव को जनता का कार्यक्रम बनाने के लिए यहाँ के अनेक सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर के, अनेक विद्यालयों को लेकर के, NCC के जवानों को लेकर के एक अमृत महोत्सव का अच्छा कार्यक्रम किया। पूरे क्षेत्र की जनता इस कार्यक्रम में जुड़ी, पूरे हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया। यहाँ की जनता को हम धन्यवाद देते हैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की इस मुहिम में जुड़ने के लिए, और आह्वान करते हैं कि आज के कार्यक्रम के बाद अपना जो ध्वज है तिरंगा, उसका अपमान ना होने पाए। कहीं इधर उधर दिखता भी है तो उसको हम उठा के सम्मानपूर्वक उसे रख सकें, उसका सम्मान करें। कहीं उसकी फ़ोटो खींच करके केवल देश को बेइज्जत करने का काम ना हो हमारी टीम से, हमारे देशवासियों से। आज़ादी के अमृत काल में जो हम सब गोते लगा रहे हैं, और जिस तरह से सुदर्शन राष्ट्र निर्माण जो संगठन है श्री सुरेश चौहान के जी का, जो हिंदू हृदय सम्राट है, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, और उनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम मंगोलपुरी के आर ब्लॉक में आज हुआ है, और बेहद ही शानदार प्रस्तुति बच्चों द्वारा की गई है, जिसके लिए मैं यहाँ के जो निवासी हैं, जो प्रोग्राम के आयोजक हैं और दिल्ली के प्रदेश मंत्री हैं श्री राजीव जाटव जी, और मीडिया प्रभारी श्री राकेश प्रथम जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, जो इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर एक किया है। मैं इस 75वें अमृत महोत्सव पर समस्त देशवासियों से अपील करना चाहूंगा, कम से कम इस देश में 75 करोड़ व्यक्ति ये संकल्प लेके हमें नशा छोड़ना है। आज़ादी महोत्सव पर सबने बात की और करनी भी चाहिए, कम से कम जो नशे की ओर हमारी युवा पीढ़ियाँ जा रही हैं उधर की ओर ना जा करके हम चाहे जितने मर्जी आज़ादी के महोत्सव मना लें, वो सब विफल हो जाएंगे अगर इस कदर नशा बढ़ता रहा तो। हमारे युवा अगर इसी कदर नशा करते रहे तो कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी, और इस 75वें अमृत महोत्सव पर कम से कम इस देश के 75 करोड़ वासी ये संकल्प लें कि हमें नशे से मुक्त होना है, नशा मुक्त लोगों से दोस्ती करनी है, नशा मुक्त लोगों की संगत करनी है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ के कार्यक्रम में मुझे आकर बहुत ही प्रसन्नता हुई, बच्चों ने इतनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है कि मन बहुत प्रसन्न हो गया, और यकीन ही नहीं हो रहा था छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एकदम इतने उत्साह के साथ। अभी इस समय थोड़ा गर्मी का भी माहौल है, लेकिन बच्चे बिल्कुल गर्मी से बेपरवाह थे और स्वतंत्रता के इस उत्सव में रंगे हुए थे, और बहुत ही अच्छी बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस रही। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे जो मोदी जी ने ऐलान किया था वो हर जगह प्रस्तुत किया जा रहा है, हर घर तिरंगा, सभी घरों में, एक भी घर ऐसा नहीं है कि तिरंगा लगाना हो, ठीक है, हर घर तिरंगा। और मैं सुदर्शन राष्ट्र निर्माण की सदस्यता हूँ, और मुझे वो स्कूल के दिन याद आ गए जब मैं भी छोटी थी और ऐसे ही प्रोग्राम किया करती थी। यहाँ जब मैंने ये प्रोग्राम देखा बच्चों का तो मेरी आंखें भर आई, और मुझे वो स्कूल के पल याद आ गए कि हम बच्चों में कितना जोश होता है और कितने अच्छे से हम ये प्रोग्राम करते हैं। यहाँ का जो आज का प्रोग्राम था वो सबसे अच्छा था, और आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम होते रहेंगे। यहाँ पर मंगोलपुरी में जो ये बस्ती में जो कार्यक्रम हुआ आर ब्लॉक के पार्क में, यहाँ पर जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया और हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के लिए आए हुए हैं, यहाँ पर हर बच्चा
सब आज़ादी के अमृत महोत्सव में बच्चे, परिवार, माँ बाप सभी लोग बहुत अच्छे से यहाँ कार्यक्रम हुआ है और बच्चों ने जो प्रस्तुति दी है बहुत ही बढ़िया दी है। और आगे भी हम लोग सब लोग ये आगे भी आज़ादी का अमृत महोत्सव हम ऐसे ही मनाते रहेंगे और इस झंडे की आन बान शान गिरने नहीं देंगे। भारत माता की जय। यह प्रोग्राम रहा और बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है, जिससे कि मतलब बहुत अच्छा, उम्मीद नहीं, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा उन्होंने किया। और बिल्कुल गर्मी का बिल्कुल उनको टेंशन नहीं था, धूप में भी अच्छे से उन्होंने परफॉर्मेंस किया।